पांचवीं बार पुतिन ने राष्ट्रपति का पदभार संभाला तो दूसरी तरफ रूस की सेना परमाणु हथियारों के साथ युद्धाभ्यास करने के लिए आमादा है, जिससे अमेरिका सहित नाटो में हड़कंप मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज हम रणनीति में दरअसल आपको बतलाने वाले हैं कि पुतिन, जो कि इस वक्त रूस के सबसे इतिहास में ताकतवर नेता के तौर पर उभर कर सामने आ चुके हैं और पांचवी बार राष्ट्रपति के तौर पर जब वो शपथ ले रहे हैं तो उनके कार्यकाल के दौरान आप देखिए तो तकरीबन 5 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बदल चुके हैं और 7 बार यूके के प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। लेकिन जिस तरह से 85 से 86% वोटों के साथ रूस की जनता का अपार मत हासिल कर एक बार फिर से रूस की सत्ता पर काबिज हुए पुतिन ने अपना एजेंडा खोल कर रख दिया है, उससे दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि उनकी सेना एक ऐसे युद्धाभ्यास को अंजाम देने वाली है जो कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के साथ लैस है, यानी परमाणु हथियारों का ऐसा जखीरा जो रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा है, उसके साथ रूस की सेना युद्धाभ्यास कर रही है। तो ये सीधी चेतावनी किसी और को नहीं बल्कि अमेरिका को है, ये सीधी चेतावनी किसी और को नहीं बल्कि नेटो को है। और ये बताने के लिए काफी है कि पिछले 3 साल से जारी यूक्रेन के साथ जो युद्ध है उसको अब आगे डॉट लगाने में कोई कसर पुतिन छोड़ना नहीं चाहते, और इसीलिए इस युद्धाभ्यास के जरिए दरअसल नेटो और अमेरिका को यह साफ संदेश दिया गया है कि यूक्रेन को वो अपनी सहायताएं देना बंद करें, अन्यथा परमाणु युद्ध की आग में झुलसने के लिए तैयार रहें। रूस ने दरअसल ये जब ऐलान किया उससे महज 12 घंटे की दूरी थी जब पांचवी बार पुतिन शपथ ग्रहण करने वाले थे। लेकिन जिस तरह से शपथ ग्रहण का समारोह भव्य तरीके से आयोजित किया गया और उसके बाद रूस की सेना दूसरी तरफ हम यूक्रेन में देख रहे हैं हर बार पाने के लिए आमादा दिखाई दे रही है, तो टारगेट पर सिर्फ इस बार यूक्रेन नहीं है बल्कि जिस दमखम पर यूक्रेन पिछले 3 सालों से रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है उसी पिलर को दरअसल पूरी तरह से जमींदोज करने की तैयारी में पुतिन अब दिखाई दे रहे हैं। पुतिन का कार्यकाल एक तरह से देखा जाए तो अपने साम्राज्यवाद का रूस के इतिहास का सबसे बड़ा कार्यकाल कह सकते हैं, जिसमें एक तरफ क्रीमिया पर उन्होंने कब्जा किया और दूसरी तरफ यूक्रेन के एक समूचे हिस्से जो हैं वो इस वक्त रूसी सेना के गिरफ्त में हैं। और जाहिर तौर पर इस युद्ध के पटाक्षेप के पहले ये सबसे बड़ा मोहरा है, ये सबसे बड़ी चाल है, ये सबसे बड़ी रणनीति है जो कि हम इस वक्त युद्ध के मैदान में पुतिन की तरफ से देख रहे हैं। हम जानते हैं कि पिछले साल ही 25 मार्च के आसपास बेलारूस में, जो कि आप देखिए तो बेहद स्ट्रेटजिक पार्टनर के तौर पर रूस का दिखाई देता है, वहां पर अपने न्यूक्लियर वेपन्स को रूस ने तैनात कर दिए थे और साथ ही चेतावनी दे दी थी कि ये न्यूक्लियर वेपन्स इसलिए तैनात किए गए हैं क्योंकि रूस जो है अब नहीं चाहता कि यूक्रेन की ताकत बनकर नेटो या फिर अमेरिका उभरे। रूस ये नहीं चाहता कि यूक्रेन को हथियारों के साथ सैन्य सप्लाई जो है वो नेटो के जरिए मिले। बावजूद इसके हमने देखा कि युद्ध आगे बढ़ता रहा, नेटो पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा, लेकिन पिछले 1 हफ्ते में जो कुछ बदला है उस पर गौर करना बेहद जरूरी है। आप देखिए किस तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का बयान जो है वो सामने आया, जो कि यूक्रेन को भारी सैन्य मदद पहुंचाने के लिए अपने आप एक बड़ा ऐलान था। उसके अलावा हमने देखा कि यूके ने किस तरह से दरअसल यूक्रेन को अपनी सैन्य ताकत देने की बात कही और उसके बाद पुतिन सीधे तौर पर भड़क गए और उनके भड़कने की जो एक इस वक्त स्थिति दिखाई दे रही है उसका परिणाम अब सामने है। तो परमाणु युद्ध दरअसल उस तरह से तो नहीं होगा जैसा कि हम सोच रहे थे तब, जबकि बेलारूस में परमाणु हथियारों का जखीरा रूस ने तैनात किया था, लेकिन अब जिन परमाणु हथियारों के साथ रूस की सेना युद्धाभ्यास करने जा रही है वो दरअसल टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, यानी जिसके वॉर हेड में इतना हम कहें कि परमाणु ताकत नहीं कि वो पूरे शहर को नष्ट कर सके, लेकिन उस वॉर हेड में इतनी ताकत जरूर है कि वो परमाणु शक्ति से लैस होकर अपने टारगेट पर गिरे तो उसको पूरी तरह से स्वाहा कर दे, पूरी तरह से भस्म कर दे। और ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होते क्या हैं इसे भी समझना जरूरी है। तो आप यूँ समझिए कि कम दूरी के मिसाइल उसके वॉर हेड में न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, उसके अलावा आप समझिए कि नेवल यूज़ में जो इस तरह के मिसाइल्स यूज़ किए जाते हैं और टॉर्पीडो जो है वो इस्तेमाल करता है उसमें न्यूक्लियर वॉर हेड हो सकता है, न्यूक्लियर सबमरीन हो सकता है। इसके अलावा जो हल्के नाभिकीय हथियार हैं बॉम्ब के तौर पर उसका इस्तेमाल इसके लिए किया जा सकता है, जैसे प्रिसीजन गाइडेड या फिर आप समझिए कि जो म्यूनिशन है उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह के जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं ईयर बॉम्ब जो हैं वो दरअसल ऐसे बनते हैं जिसमें न्यूक्लियर हम कहें कि ताकत से उलैस होते हैं उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के साथ जो इस वक्त की रूस की तैयारी दिखाई दे रही है वो साफ तौर पर देखें तो वो दरअसल नेटो के लिए चेतावनी और अमेरिका के लिए भी खतरे की घंटी से कम नहीं है। हमें याद होना चाहिए कि 2 महीने पहले ही जब पुतिन एक इंटरव्यू दे रहे थे तो उस इंटरव्यू के दौरान उनसे सवाल पूछा गया कि अमेरिका अगर इस यूक्रेन युद्ध में उतरता है वो अगर अपने सैन्य सहायता को देता है तो क्या होगा, तो सीधे
जवाब था पुतिन का, तो फिर न्यूक्लियर हथियारों के साथ लड़ाई होगी और ये लड़ाई ऐसी होगी जो बेहद भारी पड़ने वाली है। उसके बाद पूरी दुनिया में जिस तरह से हड़कंप मचा होगी हमने देखा था, लेकिन अब जो तैयारी रूस कर रहा है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के जरिए, ये अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है कि पुतिन अपने पांचवें कार्यकाल में, जो कि 6 साल का होगा, अब इस युद्ध को आगे और नहीं बढ़ाना चाहते। और इस वक्त हमारे पास जो डेटा मौजूद है उसके मुताबिक मैं बताऊं कि जिस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात कही जा रही है जो रूस की सेना के पास है, उसमें खास तौर पर क्या शामिल है, ऐसे छोटे एटम बॉम्ब जो कि 1 किलोटन से लेकर 100 किलोटन तक का क्षमता रखते हैं, दूसरा ऐसे खास तौर पे आप समझिए कि कम दूरी के मिसाइल्स जिसमें तकरीबन 50 से 100 किलो टन तक का जो है वो वॉरहेड होता है। इसके अलावा आप समझिए कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स बताए जाते हैं कि रूस के पास जो है उसका डाटा बतलाता है कि तकरीबन ऐसे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स कम से कम 2000 की संख्या में रूस के पास है, जो किसी भी वॉर जोन में एक तरह से देखा जाए तो पूरे युद्ध का हम कहें कि दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। उसके अलावा रूस का जो फादर ऑफ ऑल बम है वो बताएं आपको तो 800 किलो टन की क्षमता का है और उसको हम कहें कि एक तरह से बैकअप में रखा गया है और उसकी तुलना अगर हिरोशिमा में नागासाकी में गिरे हुए परमाणु बम से करिए तो वो लगभग आप समझिए कि 15 किलो टन के हुआ करते थे। यानी जिस क्षमता के दरअसल आप समझिए कि वेपन्स यानी नाभिकीय हथियारों का इस्तेमाल हिरोशिमा और नागासाकी में किया गया था 1945 में, उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर हथियार जो है वो रूस की सेना टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के तौर पर इस्तेमाल करती है। और फादर ऑफ ऑल बम की बात करें तो ये 800 किलो टन की क्षमता का होता है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के डिफरेंसेज हैं और किस तरह से दरअसल आप इसकी क्षमता और इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि इन परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए जो तैयारी रूस ने की है वो दरअसल समझना जरूरी है कि वो सिर्फ बेलारूस के जरिए है या फिर आप रूस और यूक्रेन बॉर्डर की तरफ देख रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि दोनों तरफ दिखाई देता है, यानी बेलारूस की तरफ भी न्यूक्लियर वेपन्स तैनात हैं, रूस के वहां से भी इस्तेमाल कर सकता है, वहां पर भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और जो यूक्रेन के साथ चल रही लड़ाई है जिसमें डॉनबास का एरिया आप देख रहे हैं वहां पर भी दरअसल रूस ने अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को पहुंचा दिया है, जो कि यूक्रेन के ऊपर किसी खतरे की घंटी से कम दिखाई नहीं देता। इसके अलावा ये जानना बेहद जरूरी है कि दरअसल जो बयान है मैक्रों के और जो बयान है खास तौर पे आप देखिए ब्रिटेन के, वो काफ़ी मायने रखते हैं, क्योंकि इन बयानों के जरिए यूक्रेन को दरअसल और ज़्यादा रूस के खिलाफ हमलावर होने का मौका मिला। हम जानते हैं कि नेटो के जरिए हथियारों की सप्लाई, अमेरिका के जरिए हथियारों की सप्लाई के दम पर यूक्रेन रूस को ये सामने पिछले 3 साल से बड़ी चुनौती बना हुआ है। जिन इलाकों को रूस ने जीता था उन इलाकों में भी दरअसल पीछे धकेलने में रूस की सेना को यूक्रेन को कामयाबी मिली, तो उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि नेटो और अमेरिका की ताकत थी। और इसी ताकत को छिन्न भिन्न करने के लिए इस वक्त पुतिन ने ऐलान कर दिया है, और इस ऐलान के बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह की खलबली पूरे जोन में इस वक्त दिखाई दे रही है। वेपन्स के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के युद्धाभ्यास को अंजाम तो देने जा रहा है, लेकिन वो दुश्मन को ये बता के देने जा रहा है कि इस तरह के युद्धाभ्यास को अंजाम दे रहे हैं, इस तरह के वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन न टाइमिंग बताई जा रही है न प्लेस बताया जा रहा है, यानी वो कितना घातक होगा, उसकी रणनीति क्या होगी, उसका सामरिक महत्व क्या होगा, उसकी चपेट में यूक्रेन के अलावा नेटो के कितने देश आ सकते हैं, अमेरिका आता है तो क्या उसके साथ भी न्यूक्लियर हथियारों के साथ लड़ाई हो सकती है, तमाम ऐसी स्थितियां हैं जिससे पर्दा उठना बाकी है। लेकिन पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद अब अपने टारगेट पर किसी और को नहीं बल्कि यूक्रेन में अपनी जीती हुई जमीन पर अपने झंडे को लहराने को एक तरह से आमादा दिखाई दे रहे हैं, और देखना है कि इसका परिणाम किस तरह से भीषण या आने वाले दिनों में मानवता पर भारी पड़ने वाला है। फिलहाल इस विषय पर इतना ही, आगे और ज़्यादा इससे संबंधित जानकारी आपके सामने लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी सुभाष को